हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पटेल दीक्षिता, अश्वमी विद्यालय किला पाड़ी। एंड टुडे वी आर लर्निंग अबाउट स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट फाइबर एंड टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर इज obtained from plant and obtained from animals. So in this unit we are discussed about fiber that obtained from animals. So wool and silk are obtained from animals. So we learn about wool. Wool is come from sheep, goat, camel, yak and some other animal. So we are discuss about wool. वो कहाँ से मिलता है, उसकी process क्या है, वो कैसे बनता है, उसके बारे में हमने discuss किया. And in the last lecture we are discuss about silk and life history of silk moth. हमने देखा कि silk moth जो होता है उसकी life history, वो कैसे एग में से डेवलप होके सिल्क वर्म बनता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा. टुडे वी आर लर्न अबाउट फ्रॉम कुकून्स टू सिल्क, कुकून्स में से सिल्क कैसे मिलता है वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो फ्रॉम कुकून्स, फ्रॉम कुकून्स टू सिल्क, फ्रॉम कुकून्स टू सिल्क, कुकून्स में से कैसे सिल्क मिलता है वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो कुकून्स में से सिल्क जो बनता है वो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म, ये जो पूरा प्रोसेस है वो सिल्क किसमें से मिलता है, सिल्क वर्म में से क्या मिलता है सिल्क. तो ये पूरा एक प्रोसेस है फ्रॉम कुकून्स टू सिल्क, मींस कुकून्स में से सिल्क कैसे मिलता है उसका एक पूरा प्रोसेस है. सो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म्स. ओके, सो सिल्क वर्म में से सिल्क लेने की जो पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पे दिखाई गई है. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्ट टू गेट सिल्क थ्रेड. ओके, तो सिल्क थ्रेड मींस सिल्क के जो थ्रेड है, जैसे हमने वूल मीन्स की फाइबर में से जो थ्रेड बनाए थे, धागे बनाए थे, तो इसी तरह सिल्क के थ्रेड कैसे बनते हैं, तो कुकून्स को रियर्ड किया जाता है. रियर्ड मीन्स पालना. ओके, तो जैसे हमारे यहाँ शीप, गॉट ये सब पाला जाता है, उसी तरह सिल्क वर्म को भी क्या किया जाता है, रियर्ड मीन्स कुकून्स को पाल के उसे रियर्ड करके उसका ग्रो करके उसे क्या करते हैं, उसमें से सिल्क वर्म में से सिल्क बनाकर उसमें से सिल्क थ्रेड बनाते हैं. ओके, सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड their cocoons are collected to get silk, yeah, silk thread. Okay, so cocoons को reared करके उसमें से silk worm बना के silk worm में से क्या लेते हैं, सिल्क, एंड उसमें से क्या बनाते हैं, सिल्क थ्रेड. ओके, सो ये पूरा प्रोसेस जो है वो टू पार्ट में डिवाइड.
डिवाइड किया गया है. हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स. ओके, फर्स्ट वन इज रियरिंग सिल्कवर्म्स एंड सेकेंड पार्ट इज प्रोसेसिंग सिल्क. सो पहले क्या किया जाता है, सिल्कवर्म को रियर मीन्स पाला जाता है, उसमें से सिल्क लेकर उसपे कैसे प्रोसेस करके उसमें से सिल्क थ्रेड बनाते हैं, ये पूरा प्रोसेस टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज रियरिंग सिल्कवर्म एंड सेकेंड वन इज प्रोसेसिंग सिल्क. ओके, सो रियरिंग सिल्कवर्म रियरिंग सिल्कवर्म्स मीन सिल्कवर्म को क्या किया जाता है, पाला जाता है. एंड सेकेंड वन इज प्रोसेस प्रोसेसिंग सिल्क. सिल्कवर्म से सिल्क लेकर उसके प्रोसेस कर उसमें से क्या बनाया जाता है, सिल्क थ्रेड मीन सिल्क के धागे बनाए जाते हैं. ओके, सो टुडे वी आर लर्न अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज रियरिंग सिल्कवर्म्स. Rearing silkworms. So, rearing silkworm means silkworm को पालना. So, silkworm को कैसे पाला जाता है? So, a female silkworm lays 100 of eggs at one time. आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स है मीन्स बर्ड है तो क्या करते हैं, एग देते हैं. ओके, लाइक हैन. ओके, तो वो क्या है, एक टाइम में एक टाइम में वन टू या फाइव एग्स देते हैं. सो ये जो सिल्कवर्म की जो फीमेल होती है, वो फीमेल सिल्क मथ जो होती है, वो वन टाइम में कितने एग देती है? यस, लेज 100 से भी ज्यादा एग्स एट वन टाइम, एक टाइम में 100 से ज्यादा एग्स देती है. ओके, अ फीमेल सिल्कवर्म लेज 100 ऑफ eggs at a time. एक टाइम में वो कितने एग्स देती है, 100 से भी ज्यादा एग्स देती है. Then the eggs are stored carefully on strips of cloth or paper. वो एग्स कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, क्लीन क्लोथ पे या फिर पेपर पे स्टोर किए जाते हैं. सारे एग्स जो है वो क्लोथ पे, क्लीन क्लोथ पे या फिर क्लीन पेपर पे स्टोर किए जाते हैं. सो द एग्स आर स्टोर केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ और पेपर. कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, पेपर पे या फिर क्लीन क्लोथ पे उसे स्टोर किया जाता है. देन सिल्कवर्म्स फार्मर्स बाय एग्स एंड रेज देम. सिल्कवर्म फार्मर जो होते हैं मींस जो फार्मर्स सिल्कवर्म को रियर करते हैं, पालते हैं, वो क्या करते हैं, ये एग्स जो फीमेल सिल्कवर्म देती है तो ये एग्स वो खरीदते हैं और उसे पालते हैं. ओके, सो सिल्कवर्म फार्मर सिल्कवर्म्स फार्मर्स बाय एग्स एंड रेज उसे क्या करते हैं, खरीदते हैं एंड उसे पालते हैं. ओके, देन
get under a suitable condition, उसे क्या करते हैं, suitable condition में रखते हैं, like उसे जो suitable temperature है वो provide करते हैं, suitable humidity provide करते हैं, इसी तरह उसे क्या करते हैं, एक condition में रखते हैं, okay? उसे क्या करते हैं, एक suitable condition में रखते हैं, then eggs are warm, उसे क्या करते हैं, warm करते हैं, so first क्या करते हैं, get under a suitable condition. Like temperature, humidity, okay? तो उसे जो temperature चाहिए, जो humidity चाहिए, वो condition में वो उसे रखते हैं, okay? So उसे क्या करते हैं? उसे suitable condition में रखते हैं and उसका जो eggs को suitable condition में रखा गया है, जो कि temperature and humidity, जो कि उसे suitable temperature and suitable humidity में रखा गया है, तो वो egg क्या होगे, warm होगे, तो egg को क्या किया जा रहा है, warm किया जा रहा है, जिससे वो क्या होगा, caterpillar में से सिल्कवॉर्म के फॉर्म में आ सके, तो उसे क्या किया जाता है, एग्स आर वार्म, एग्स आर वार्म, उसे वार्म किया जाता है, देन जो लार्वा है वो लार्वा जो कि कैटरपिलर से सिल्कवॉर्म के रूप में आ सके, सिल्कवॉर्म के फॉर्म में आ सके, इसलिए क्या किया जाता है, एग को वार्म किया जाता है, देन जो कैटरपिलर है वो ईट डे एंड नाइट, कैटरपिलर ईट डे एंड नाइट एंड ग्रो, वो कैटरपिलर जो है वो डे एंड नाइट खाते रहते हैं, क्या मलबरी लीव्स जो कि सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उनको क्या दिया जाता है, मलबरी लीव्स, तो मलबरी लीव्स वो डे एंड नाइट ईट करते हैं एंड ग्रो करते हैं, सो दे ईट day and night and grow, और क्या करते हैं, grow करते हैं, okay, then cat in clean bamboo they feed mulberry leaves, उनको कहाँ रखा जाता है, clean bamboo tray में रखा जाता है, जो कि clean होता है और उसमें क्या देते हैं, mulberry leaves, जिसे वो डे एंड नाइट खाते रहते हैं, ओके, तो दे कैट ईट क्लीन बैम्बू ट्रे दी मलबरी लीव्स, तो उनको कहाँ रखा जाता है, क्लीन बैम्बू ट्रे में, और साथ में क्या दिया जाता है, मलबरी लीव्स, जिसे वो डे एंड नाइट खाते रहते हैं, ओके, देन आफ्टर 25 to 30 days कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग, वो कब तक खाते रहते हैं, 25 to 30 days तक वो ईट करते हैं, क्या मलबरी लीव्स, एंड आफ्टर 25 to 30 days कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव इनटू बांबू चैम्बर, उनको क्या किया जाता है, बांबू चैम्बर में मूव कर दिया जाता है, कब, आफ्टर 25 to 30 days एंड उनको क्या किया जाता है, बांबू चैम्बर में शिफ्ट कर दिया जाता है, उनको मूव कर दिया जाता है, जहां की वो कुकुन्स में कन्वर्ट हो सके, ओके, सो After 25 to 30 days, caterpillars are stop eating and move to a chamber of bamboo. तो इस तरह का बांबू चैम्बर बनाया होता है जिसमें उनको मूव कर दिया जाता है, इस तरह से एक बांबू का चैम्बर बनाया
बोलते हैं कोकून्स, ओके। सो दे स्टार्ट ईटिंग एंड मूव टू अ चैम्बर ऑफ बम्बू एंड टू बी अ कोकून्स, इसमें से क्या बन सके, कोकून्स बन सके। सो स्पाइडर्स आर प्रोवाइड इन द ट्रेस टू व्हिच कोकून्स आर अटैच्ड। तो इस तरह का जो चैम्बर होता है उसमें स्मॉल रैक्स होते हैं, इस तरह के स्मॉल रैक्स बनाए जाते हैं और उसमें बाम्बू ट्रे रखी जाती है एंड उस बाम्बू ट्रे में बहुत सारे इस तरह से बहुत सारे कैटरपिलर्स होते हैं। सो ये कैटरपिलर को उस ट्रे में मूव कर दिया जाता है ताकि वो कोकून्स बन सके एंड कोकून्स जो है उनको एक ट्रे में रखा जाता है ताकि वो एक दूसरे के साथ अटैच हो सके, ओके। एंड क्यों क्यों वो अटैच होंगे, क्योंकि वो अगर अटैच होते तो सिल्क फॉर्म स्किन से कोकून इनसाइड व्हिच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। जो कोकून है वो अटैच होके जो सिल्क से पूरा सिल्क से बने होते हैं तो वो कोकून जो है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एंड जो स्पिन करके उसे स्पिन जो होता है तो अंदर वो इनसाइड द कोकून, कोकून के अंदर क्या हो सके, सिल्क मॉथ जो है वो डेवलप हो सके, ओके। सो स्मॉल रैक्स आर प्रोवाइड इन द ट्रीज टू ट्रीज टू बीच कैकून्स कोकून्स this